हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने दो वीडियोस में देखा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हम क्या समझते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को किस टाइप में डिवाइड करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिग्री वन है तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री टू है तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री थ्री है तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमने देखा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होती है। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना और कोफिशिएंट जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखी है। अगर आपने ये वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एडवाइस करूंगी कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। चलते हैं सवाल पर। आपके सामने सवाल आएगा, डिवाइड पेपर में सवाल दिया जाएगा, डिवाइड दिस ये पॉलिनोमियल है बाय एक्स प्लस टू, डिवाइड दिस बाय एक्स प्लस टू। सो आई होप आपको डिवीजन आती होगी, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स आता होगा। फॉर एग्जांपल 12 बाय 4, 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ वो 3 होता है, 6 को 2 से डिवाइड करूँ वो 3 होता है, 24 डिवाइड बाय 3, 3 8 24, 8 होता है, 24 डिवाइड बाय 2, 12 होता है। ये डिवाइड करना हमें आता होगा, ये हमने बचपन से सीखा है। अब हम देखते हैं अगर हमें नंबर्स की बजाय पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना हो तो हम कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो हमें दिया हुआ है, डिवाइड करो इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल को इससे, तो जो भी हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए होंगे मुझे ये चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब है कि सबसे पहले जो डिग्री सबसे बड़ी है, यहाँ पे 2x² की डिग्री सबसे बड़ी है तो वो टर्म पहले आनी चाहिए, फिर x, फिर 1, मतलब x² + x + 1 सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सिमिलरली यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री x की पावर 1 है और 2 के साथ x की पावर 0, इसका मतलब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर क्यूबिक होता, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये दिया होता 2x³ + 5x² + 3x + 2 = 0, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले हाईएस्ट डिग्री x³ फिर x² फिर x + 2 = 0। सवाल सॉल्व करने से पहले सिर्फ हमें ये बात याद रखनी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब पहले वो x है जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, फिर उससे एक कम डिग्री, फिर उससे एक कम डिग्री, फिर उससे एक कम डिग्री। बस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलते हैं सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल में लिखा है डिवाइड करिए 2x² + 3x + 1, इसको डिवाइड किससे करिए, इसको डिवाइड करिए x प्लस टू से। ठीक है, अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सबसे पहले आप ये जो दिया हुआ है, जो डिवीज़र दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं डिवीज़र, जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसे हम कहते हैं डिवीज़र। डिवीज़र की फर्स्ट टर्म देखिए, मेरे पास फर्स्ट टर्म है इसकी x, मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x² मिल जाए, मुझे 2x² मिल जाए। मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x² मिल जाए। ठीक है, मैं इस x को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे 2x² मिल जाएगा, 2x into x square, 2x square, 2x square, 1 second, This was 2x square. अगर मैं इस 2x को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे 2x² आएगा, प्लस ये 2x इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तो हम पूरा ही करते हैं ना, इस 2x को इस बेसिकली x प्लस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करें, तो 2x + 2 = 4x, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ के जो साइन होंगे, जो नीचे टर्म्स आई है उनकी मुझे साइन चेंज करना है। ये साइन यहाँ पे प्लस 2x², यहाँ पे मुझे माइनस करना है, ये प्लस 4x है, यहाँ पे मुझे माइनस करना है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x² है, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस 3x है, ये माइनस 4x है, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का x, प्लस 1 में एज इट इज़ कॉपी कर लूँ, प्लस 1 में एज इट इज़ कॉपी कर लूँ। अब
अब मुझे क्या करना है, सेम जो मैंने पहले करा था, ये एक्स है, इस एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे माइनस एक्स मिल जाए, इस एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे माइनस एक्स मिल जाए। तो अगर मैं इस एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करती हूँ, इस एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे माइनस एक्स मिल जाएगा। माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस वन इंटू टू माइनस टू। अब क्या करना है, अब मुझे इन टर्म्स के साइन चेंज करने, माइनस एक्स है मैंने प्लस बना दिया, ये माइनस टू है मैंने प्लस बना दिया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस वन प्लस टू थ्री आंसर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बच गया रिमाइंडर, ये आपका क्या है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका रिमाइंडर आपने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, एक बार रिकैप करते हैं। डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब, सॉरी, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले एक्स की हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे ही हमारा जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिवीज़र। डिवीज़र स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, पहले हाईएस्ट डिग्री फिर उससे कम, फिर उससे कम। हमने चेक करा हमारा डिविडेंट और डिविजर दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम चले गए डिवाइड करने। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी पहली टर्म देखेंगे और इसकी पहली टर्म देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, जो कि ये एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये टू एक्स स्क्वायर बन जाए। तो मैंने देखा मैं इस एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये टू एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये टू एक्स इस टू से भी मल्टीप्लाई होगा, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसके साइन चेंज कर दिए, जो नीचे आया उनके मैं साइन चेंज कर दूंगी, और बस इसी प्रोसीजर को मैं रिपीट कर दूँगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने पिछला क्वेश्चन दो बार, एक बार रिवाइंड करके उसे देखिए, और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए वीडियो देखने से पहले। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। मैं देखूंगी पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर वन है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले एक्स की हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सिमिलरली फॉर डिवीजर मैं ये देखूंगी, पहले एक्स की हाईएस्ट डिग्री है, एक्स की पावर वन है, टू के साथ एक्स की पावर जीरो है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मुझे क्या करना है, मैं डिवाइड करूँ। डिवाइड कैसे करूँगी मैं, यहाँ देखिए एक्स प्लस टू, इसको मैं डिवाइड करूँगी टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, कैसे डिवाइड करूँगी, क्या बोला था, इसकी पहले टर्म देखिए और इसकी पहली टर्म देखिए, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे टू एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो मैं इसको टू एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो टू एक्स इंटू एक्स क्या होता है, टू एक्स स्क्वायर, मुझे मिल गया टू एक्स स्क्वायर। टू एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टू एक्स इंटू प्लस टू, ये हो गया मेरा प्लस फोर एक्स। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इनके साइन चेंज करूँगी, यही बताया था मैंने। अब मैं साइन चेंज करूँगी, ये प्लस टू एक्स स्क्वायर था ये माइनस हो गया, ये प्लस फोर एक्स था ये माइनस हो गया। सॉल्व करेंगे, दिस प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स, वहाँ हमारे पास माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस वन हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे यहाँ से, प्लस वन हमने एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करना है। यहाँ एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे माइनस एक्स मिल जाए। माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस वन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस टू, ये प्लस है, ये भी साइन चेंज करेंगे कट जाएगा, प्लस वन प्लस थ्री। आई थिंक ये पिछले वाला क्वेश्चन ही हमने रिपीट कर दिया है, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर डिविजन एंड दिस इज योर डिविडेंड। नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नया क्वेश्चन है कि डिवाइड करिए इसको इससे, डिवाइड करिए इसको इससे। सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या करा, इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, बट ये गलत है। मैंने क्या चेक करा, मुझे चेक करना था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैंने देखा पहले क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है प्लस फाइव है, मतलब पहले एक्स की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले वन आ गया, फिर एक्स आया, फिर एक्स स्क्वायर आया, हाईएस्ट पावर तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर पहले आना चाहिए, फिर टू एक्स आना चाहिए, फिर वन आना चाहिए, ये दिस इज रॉन्ग, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। हमने इसे अरेंज करा, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को अरेंज करा, पहले एक्स की हाईएस्ट पावर,
एक्स स्क्वायर, फिर एक पावर कम 2x प्लस 1, से डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, से डिवाइड करिए किसको 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको डिवाइड करिए। कैसे करेंगे डिवाइड, ये देखिए, इसे देखिए, ये है एक्स स्क्वायर और इसकी पहली टर्म देखिए एक्स स्क्वायर, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ये मिल जाए, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए। एक्स स्क्वायर को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 3x क्यूब मिल जाएगा। अब ये 3x है, ये तो पूरे पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x प्लस 3x इंटू 2x, दिस इज 6x स्क्वायर। यहाँ पे 3x प्लस 1 प्लस 3x, यहाँ साइन चेंज करिए, माइनस 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 कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब देखेंगे हम, अब सेम वही रिपीट करना है, इसकी पहली टर्म देखेंगे, इसकी पहली टर्म देखेंगे, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे माइनस 5x स्क्वायर मिल जाए, एक्स स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे माइनस 5x स्क्वायर मिल जाए, मैं माइनस 5 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करना है मुझे, साइन चेंज करना है, ये माइनस 5x स्क्वायर है, साइन मैंने प्लस का कर दिया, माइनस 10x है, साइन मैंने प्लस का कर दिया, माइनस 5 है, साइन मैंने प्लस का कर दिया, प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस 10x प्लस सॉरी माइनस x प्लस 10x माइनस 9 प्लस 9x प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10, ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका रिमाइंडर है, दिस इज योर रिमाइंडर, इज योर रिमाइंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे, तो हमें दिया गया है डिवाइड करिए इसको इससे, तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो मुझे दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले x की हाइएस्ट पावर, हाइएस्ट पावर क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब, सो माइनस एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब से कम पावर प्लस 3x स्क्वायर, फिर x की पावर माइनस 3x, फिर x मतलब बिना x की पावर 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। फिर हमारे पास जो जिससे डिवाइड करना है डिविजर, वो दिया हुआ है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं ये भी नहीं है, पहले x की हाईएस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर थोड़ी एक पावर कम प्लस x माइनस 1, ये हो गया। अब करते हैं डिवाइड, सो लेट मी चेंज द कलर, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए डिवाइड करना है इसको, दैट इज इसको हमें डिवाइड करना है, इसको करना है डिवाइड, तो लिख देते हैं इसे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इसको हमें डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से, इसको हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि इसमें इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए, माइनस एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे इसकी फर्स्ट टर्म मिल जाए, माइनस एक्स स्क्वायर को मैं अगर एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे माइनस एक्स क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं माइनस एक्स को इस एक्स से भी मल्टीप्लाई एक्स को इस एक्स से भी मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, सिमिलरली x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे माइनस एक्स मिल जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है, ये माइनस है इसे आप प्लस करिए, ये प्लस है इसे आप माइनस करिए, ये प्लस है इसे आप, ये माइनस है इसे आप प्लस करिए, उसके बाद ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर x स्क्वायर दिस इज 2x स्क्वायर साइन प्लस का माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 5 एज इट इज उतार दीजिए, अपने प्लस 5 उतार दीजिए। अब मुझे क्या करना है, सेम वही का माइनस एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2x स्क्वायर मिल जाए, मैं अगर माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2x स्क्वायर मिल जाए, मैं माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं
टू से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, टू इंटू माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू से मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर मुझे देगा टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू इंटू प्लस एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, उसके बाद साइन चेंज करना है, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है इसे प्लस करिए, ये प्लस है इसे माइनस करिए, सॉल्व कर दीजिए, ये भी कैंसिल, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस माइनस थ्री, ये आपका रिमाइंडर बन गया। क्वेश्चन आपने डिवाइड कर लिया है, आई होप आपको समझ आ गया है डिवाइड क्या करना है, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करूँ एंड आप कोई भी पॉलिनॉमियल डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई डिविजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन का अगला पार्ट कहता है वेरीफाई डिविजन एल्गोरिथम, देखते हैं डिविजन एल्गोरिथम होती है। डिविजन एल्गोरिथम कहती है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवीजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिवीजर, क्वेश्चन जो डिवाइड करके आता है वो क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर जो बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। देखते हैं अगर आपकी ये क्वेश्चन ट्रू है, अगर मैं डिवीजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूं और रिमाइंडर को उसमें प्लस कर दूं, तो अगर जो मेरे पास आया वो डिविडेंड के इक्वल आया, इसका मतलब आपने डिविजन एल्गोरिथम वेरीफाई कर लिया है। देखते हैं अभी समझ आएगा क्या मैं कह रही हूँ, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिवीजर क्या था, मेरे क्वेश्चन डिवीजर क्या होता है, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, इससे डिवाइड करा था मैंने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, डिवीजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन क्या है मेरा, यस क्वेश्चन क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो आता है डिवाइड करके, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आएगा x माइनस टू क्वेश्चन, प्लस करना है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है जो बच जाता है, यहाँ पे थ्री बच गया, थ्री मेरा रिमाइंडर प्लस थ्री, इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ढंग से लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस थ्री, अब इसे एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू दिस माइनस एक्स इंटू माइनस टू प्लस टू प्लस थ्री, सॉल्व करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स आपका हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस थ्री हो गया आपका प्लस फाइव, इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास क्या आया माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, डिविजन एल्गोरिथम के हिसाब से ये किसके इक्वल होना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल। देखते हैं डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था मेरे पास माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, आपका ये डिविडेंड के बराबर है, आपका ने जो सॉल्व करा वो इसके बराबर है, इसका मतलब आपका डिविजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया, डिविजन एल्गोरिथम आपका वेरीफाई हो गया। इससे एक और फायदा है, आपको ये पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन जो डिवाइड करा है वो सही करा है या गलत, अगर डिवाइड करने के बाद डिविजन एल्गोरिथम वेरीफाई नहीं हो पाता है, अगर डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिविडेंड की इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब आपने डिवाइड में कहीं ना कहीं कुछ गलत करा है, उस डिविजन को जाके दोबारा देखिए।